कुछ लोग सोचेंगे कि ये कहीं पोखरा में नहा रहा है लोग, मगर ये पोखरा नहीं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो पहाड़ है वो पहाड़ है, उस पहाड़ से होकर ये छोटा सा एक सोती के तरह यहाँ पे ये नदी आती है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कोई नहा रहा है, अब हम भी चल रहे हैं नहाने के लिए। लगभग इतना है नहाने के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है। ये एक डैम बनाया गया है झारखंड वासियों के लिए, दुमका वासियों के लिए, दुमका के लोग आकर यहाँ में डुबकी लगा सके और इस तरह से डुबकी लगा सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी मैं मौजूद हूँ झारखंड में, झारखंड के दुमका जिला में, और हम लोग यहाँ पे आए हुए थे न्यूज कवर करने, जो अंकिता के साथ अन्याय हुआ है वहीं कवर करने के लिए। मगर जब हम लोग यहाँ पे दुमका में स्टेशन पर उतरे और यहाँ पे हम लोग नहाने की सुविधा जब खोज रहे हैं तो कहीं नहाने की सुविधा ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे स्टेशन पर जब पूछा जा रहा है कि कोई नहाने के यहाँ पे सुविधा है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि ना सुविधा नहीं है, मगर बगल में नदी है, वहाँ पे आप लोग जाकर नहा सकते हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि आज के ज़माना में सारा राज्य आगे बढ़ गया है, सभी जगह पे इतना फैसिलिटी हो चुकी है नहाने की, बहुत से चीज़ों की, मगर आज झारखंड जो है इतना पिछड़ा राज्य बन चुका है कि यहाँ पे नहाने की भी सुविधा नहीं है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सब कोई आए हुए हैं और यहाँ पे नहाने जा रहे हैं। बगल में एक नदी है, छोटा सा नदी है, आप लोगों को वहाँ पर एक पहाड़ दिख रहा है, जस्ट पहाड़ के ही सामने हम लोग हैं और यहाँ पे आए हुए हैं नहाने के लिए। तो ज़रा सोचे कि इस तरह के यहाँ पे कंडीशन हो चुकी है कि नहाने के लिए हम लोग सुविधा खोज रहे हैं तो कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। और हम लोग जो हैं 2 दिन से ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। तो हाँ, एक बात और है कि यहाँ पे हम लोग ब्रश खोजे थे दातुन करने के लिए, तो यहाँ पे यही दातुन मिला, हम लोग यहीं से तोड़े हुए हैं लोग, कहीं उधर नहीं मिला, उधर भी खोज लिए लोग, बोल रहे हैं लोग कि नहीं आप लोग झाड़ी से आप लोग दातुन बना सकते हैं, तो हम लोग यहीं यूज कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि आज के ज़माना में ये झारखंड जो है कितना पिछड़ा राज्य दिख रहा है, और इस तरह की व्यवस्था है। हम लोग दातुन जो है झाड़ी के तोड़कर बनाए हुए हैं, और हम लोग आज देख सकते हैं कि एक आदमी वहाँ पे भी है, हम लोग कुल 4 आदमी हैं और इस नदी में हम लोग नहाएंगे लोग। थोड़ा सा पानी हम लोगों का ऐसे में दिख रहा है कि गंदा है, मगर पानी गंदा नहीं है। असल में यहाँ पे आप लोग अंदर जाइएगा तो फ्रेश दिखेगा। और देखिए, एक बात और है कि यहाँ धूमका के स्टेशन के जो भी स्टेशन पे लोग रहने वाले हैं, सबको आकर यहीं पर नहाते हैं, सबको यहीं पर नहाते हैं। बगल में गाँव है, गाँव के लोग भी आकर यहीं पर नहाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये स्थिति है यहाँ की। कोरोना हम और रिकॉर्ड कीजिए, दोस्त हम लोग आए हैं झारखंड में और नहाने की सुविधा नहीं होने के कारण हम लोग नदी में नहाने जा रहे हैं। पहले नहाने से पहले हम इस पानी को नापते हैं कि भाई ज्यादा तो नहीं है, तो डूबेंगे तो साला बिहार झारखंड कोई नहीं बचाएगा। चलिए, हालांकि पानी ठीक है, पत्थर उथल लगे ना, पत्थर उथल नहीं है। पहले एक बार हम ट्राई करके नीचे से लेके आते हैं कि क्या मिलता है। हालांकि छोटा छोटा पत्थर मिला है, आप इसे देख सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि ये कहीं पोखरा में नहा रहा है लोग, मगर ये पोखरा नहीं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो पहाड़ है वो पहाड़ है, उस पहाड़ से होकर ये छोटा सा एक सोती के तरह यहाँ पे ये नदी आती है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कोई नहा रहे हैं, अब हम भी चल रहे हैं नहाने के लिए। तो देख सकते हैं कि पानी लगभग इतना है नहाने के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है। ये एक डैम बनाया गया है झारखंड वासियों के लिए, दुमका वासियों के लिए, दुमका के लोग आकर यहाँ में डुबकी लगा सके और इस तरह से डुबकी लगा दुमका में डुबकी है, दुमका में डुबकी है। डुबकी लगे हम लोग 2-3 दिन से जब ट्रेवल कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम लोगों का लग रहा था म्याज सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे खोजने की कोशिश किए, नहाने की जगह खोजने की कोशिश किए, मगर कहीं मिला नहीं। मगर यहाँ पे हम लोग नहाए तो खैर अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, दिमाग फ्रेश हो चुका है। मगर आप दिखाना चाहता हूँ, हम आप लोगों को देख सकते हैं कि पानी कितना है, आप देखते रहिए। 400 फुट बटर देख सकते हैं कि पानी लगभग इतना है नहाने के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है। ये एक डैम बनाया गया है झारखंड वासियों के लिए, दुमका वासियों के लिए, दुमका के लोग आकर यहाँ में डुबकी लगा सके और इस तरह से डुबकी लगा दुमका में डुबकी है। दुमका में डुबकी है।